हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान श्री क्लासेस। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि समायोजन क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट करने के लिए क्या टिप्स हैं। तो ये जो टॉपिक है, ये बहुत ही बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, समायोजन की योग्यता क्या है, समायोजन किस तरह से करते हैं, समायोजन क्या होता है। सो हम आज इस वीडियो में इन सारे टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे इसको अंडरस्टैंड करने की। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं समायोजन। समायोजन का तात्पर्य व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं और उनका पूरा करने वाली विभिन्न परिस्थितियों के बीच तालमेल या सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया से है, और समायोजित जो व्यक्ति होता है वो संतुष्ट तथा प्रसन्न रहता है। तो एडजस्टमेंट क्या होता है कि हम किसी भी अपनी जो आवश्यकता है उसको हम पूरा करना चाहते हैं, हमारी जो नीड्स होती हैं हमेशा उनको हम पूरा करना चाहते हैं। अब कुछ ऐसी सिचुएशन है कि हम अपनी नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़े, एक तो हमें एंजाइटी हो सकता है, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एडजस्टमेंट। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपको भूख लगी है, तो आपका नीड क्या है, खाना, और आपको उस समय खाना नहीं मिल पा रहा है। सपोज आप ट्रैवलिंग में हैं या फिर ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपको खाना नहीं मिल पा रहा है, तो अब आप क्या करेंगे कि उसको पूरा ना करने वाली यानी कि जो परिस्थिति है वो पूरा नहीं हो रही है, तो आपको क्या बिठाना पड़ेगा, तालमेल या कह सकते हैं सामंजस्य, इसी को बोलते हैं हम एडजस्टमेंट। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आप उस थोड़े से समय के लिए संतुष्ट हो जाएंगे और प्रसन्न हो जाएंगे। तो इस तरह से समायोजन आपकी आवश्यकताओं और उस परिस्थितियों के बीच तालमेल बिठाने की पूरी प्रोसेस को हम एडजस्टमेंट कहते हैं। इसकी डेफिनेशंस देखते हैं। एडजस्टमेंट इज द रिजल्ट ऑफ एन इंडिविजुअल एफर्ट टू मीट हिज नीड एंड डील विद स्ट्रेंथ, यानी कि जो कॉलम मैन की डेफिनेशन थी, इन्होंने बताया कि किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी पर्सन का व्यक्तिगत एफर्ट क्या है कि उसकी जो नीड्स किस तरह से फुलफिल हो सके और उससे होने वाला जो स्ट्रेन है उसके साथ वो कैसे डील करता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है स्किनर की, एडजस्टमेंट इज अ लर्निंग प्रोसेस। तो लर्निंग का जो प्रोसेस है उसमें एडजस्टमेंट की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, इसीलिए स्किनर ने पूरे के पूरे एडजस्टमेंट को ही लर्निंग प्रोसेस कहा है। नेक्स्ट डेफिनेशन है गेट्स की, गेट्स का मानना है एडजस्टमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस बाई विच अ पर्सन चेंज हिज बिहेवियर फॉर अ हारमोनियस रिलेशनशिप बिटवीन हिमसेल्फ एंड द एनवायरमेंट। तो गेट्स ने जो चीज हम आपको परिस्थितियां बता रहे थे उसी शब्द को इन्होंने क्या दे दिया है, एनवायरमेंट, की कोई भी पर्सन एनवायरमेंट के साथ कैसे रिलेशनशिप रखता है। तो एडजस्टमेंट क्या है, इनके अकॉर्डिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति अपने वातावरण के साथ कैसे समायोजन करता है उसको एडजस्टमेंट कहते हैं। तो ये थी कुछ डेफिनेशन। हिंदी में परिभाषाएं देखते हैं कि समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं तथा आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन रखता है। ये बोरिंग एंड लैंगफील्ड द वेल्ड की डेफिनेशन है, जिसमें उन्होंने इन्होंने भी वातावरण को भी इम्पोर्टेंस दी है। परिभाषाओं से स्पष्ट है कि समायोजन वह दशा है जिससे व्यक्ति समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार या अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि एडजस्टमेंट एक वह कंडीशन है जिसमें हम जो भी समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार होता है उसको करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो कुछ समायोजन या मेल एडजस्टमेंट, जिसको हम मिस एडजस्टमेंट भी बोलते हैं, जो व्यक्ति अपनी आवश्यकता और उनको पूरा करने वाली परिस्थितियों के बीच संतुलन स्थापित करने में असमर्थ रहता है, तो हम उसको कुछ समायोजन कहते हैं। जब कोई असमर्थ रहेगा तो उसको तनाव होगा, दबाव, प्रेशर फील करेगा, भग्नाशा आदि मानसिक रूपों से भी इसे ग्रस्त हो सकता है। इससे वो प्राणी असामान्य व्यवहार करता है, इसे ही हम कुछ समायोजन बोलते हैं या मेला एडजस्टमेंट बोलते हैं, इसी को मिस एडजस्टमेंट भी कहते हैं। तो ये क्या है, कुछ समायोजन। तो कुछ समायोजन की जो परिभाषाएं हैं, इट इज अ स्टेट इन विच देयर इज अ कम्प्लीट डिससेटिस्फेक्शन बिटवीन द नीड्स ऑफ अ इंडिविजुअल ऑन वन हैंड एंड द राइट्स ऑफ द एनवायरमेंट ऑन द अदर्स, यानी कि यहाँ पे जो डेफिनेशन है उसमें बहुत ही क्लियरली बताया गया है कि ये एक तरीके से क्या है, डिससेटिस्फेक्शन है कि हम किसी भी चीज से सेटिस्फाई नहीं है, और जब सेटिस्फाई नहीं होंगे तो एंजाइटी होगी। सो जब हमारी नीड्स फुलफिल नहीं होती हैं तो हम डिससेटिस्फेक्शन के शिकार हो जाते हैं। मेल एडजस्टमेंट रिफर्स टू सेवरल टेंडेंसी सच एज सेटिस्फी, एंजाइटी एंड
इन एबिलिटी टू अवॉइड स्ट्रेसफुल सिचुएशन डिस्टर्बेंस ऑफ द माइंड एंड द क्रिएशन ऑफ सिम्टम्स। यानी कि जब हमें कभी भी ऐसा फील होता है कि हम कुछ समायोजित हैं या हम किसी भी परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, जैसे कि अनएबल फील करने लगते हैं किसी भी चीज़ के लिए, स्ट्रेस हो जाता है, डिस्टर्बेंस, माइंड बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, तो ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं वो दिखने लगते हैं। जो कुछ समायोजित व्यक्ति होता है वो निम्न मानसिक रोगों से ग्रस्त रहता है। पहला, सबसे पहला है कि द्वंद या संघर्ष, इसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि जब व्यक्ति के सामने एक प्रतिकूल अवसर, विरोधी विचार या इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं, तो मानसिक संघर्ष या द्वंद उत्पन्न होता है कि मैं ये करूं या नहीं करूं, की स्थिति होती है। यानी कि जब आपके मन में दो प्रतिकूल विचार चल रहे हैं कि एक कह रहा है हाँ ये करना चाहिए, दूसरा कह रहा है ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उसको हम कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद या संघर्ष बोलते हैं। दूसरा यहाँ पे है तनाव, यानी कि स्ट्रेस। जब व्यक्ति समय अनुकूल परिस्थितियों के अनुसार कार्य नहीं कर पाता है तो उसे क्या हो जाता है, एंजाइटी या तनाव हो जाता है। सामान्य मानसिक रोगों की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा दुश्चिंता। जब व्यक्ति कोई दमित इच्छा अवचेतन मन में आती है तो दुश्चिंता उत्पन्न होती है। इससे चेतन तथा अचेतन मन के मध्य संघर्ष का ही परिणाम होता है। हमारा जो चेतन मन है, यानी जो कॉन्सियस माइंड है एंड जो सबकॉन्सियस माइंड है, अनकॉन्सियस माइंड है, इन सब में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, इन सब में एक संघर्ष चलता रहता है, उसकी वजह से दुश्चिंता होती है। नेक्स्ट है भग्नाशा। जब व्यक्ति अपनी किसी भी इच्छा की पूर्ति नहीं कर पाता है तो वह इस असफलता से निराश हो जाता है। इस निराशा को ही हम एक तरह से भग्नाशा कहते हैं। तो बेसिकली सैडनेस, या हम बहुत दुख फील करते हैं, और इससे क्या होता है, जो हमारा कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत लो हो जाता है, और जो भी हमारा टास्क है उसको हम पूरा नहीं कर पाते हैं। लास्ट है आपका प्रेशर या दबाव। जब सफलता और असफलता की बात होती है, आत्मसम्मान की बात हो, या इस बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन होता है, तब भी व्यक्ति पे कार्य करते समय बहुत ही दबाव रहता है, जिसकी वजह से वो परिस्थितियों में एडजस्ट नहीं कर पाता है और डिससेटिस्फेक्शन हो जाता है और कुछ समायोजितता का शिकार हो जाता है। अब कैसे हम समायोजन तंत्र को समझेंगे, तो जो समायोजन तंत्र या सिस्टम है वो उन युक्तियों की बात है जिससे जो भी मानसिक रोग हैं इनके साथ हम इनसे कैसे बचे हैं, या फिर इनके साथ कैसे एडजस्ट करके अपना काम कर सकें। तो इन्हीं को बोलते हैं, इन्हें आत्म सुरक्षा, अभियांत्रिकी, रचात्मक युक्तियां या मानसिक मनोरचनाएं भी कहा जाता है। तो होता क्या है कि हमारे ईगो में, जो हमारा ईद ईगो सुपर ईगो होता है, तो हमारा ईगो कुछ मैकेनिज्म का यूज करता है जिसको बोलते हैं युक्तियां, रचात्मक होती हैं, यानी कि हम अपनी रक्षा करने के लिए इनका यूज करते हैं। जैसे आपको कोई चीज नहीं मिल पा रही है तो आप कहेंगे ये चीज बहुत ही बेकार थी, तो आपने क्या कर दिया, अपने ईगो को डिफेंस कर दिया, उसकी रक्षा कर ली, जिसको बोलते हैं रचात्मक युक्तियां। इन रचात्मक युक्तियों को हम चार भागों में डिवाइड कर सकते हैं, प्रत्यक्ष उपाय, अप्रत्यक्ष उपाय, क्षतिपूरक और आक्रामक। पहले तो क्या है कि डायरेक्ट हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्टली हम उसको हैंडल कर लेते हैं। दूसरा है उसको इनडायरेक्ट तरीके से हैंडल करने की कोशिश करते हैं। तीसरा है क्षति, यानी कि अगर जो हमें नुकसान हुआ है उसको कैसे पूरा किया जाए। और लास्ट होता है जब कुछ समझ नहीं आता है तो हम एग्रेसिव हो जाते हैं और आक्रामक तरीके से उपाय करते हैं। प्रत्यक्ष उपाय में क्या क्या आता है उसको समझेंगे। तो यहाँ पे पहला है बाधाओं को दूर करना या नष्ट करना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले तरह की जो रक्षा युक्ति है जिसमें हमारे सामने कोई भी बाधा या कोई भी बैरियर आता है और हमें लगता है कि हमारे जो लक्ष्य प्राप्त में क्या हो रहा है, इससे प्रॉब्लम हो रही है, तो हम बाधा को दूर करके तनाव से मुक्ति पा लेते हैं और एडजस्ट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में किचन में खाना रखा है और आपको भूख लग रही है बट लॉक लगा हुआ है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, लॉक को खोलेंगे, खाना को खा लेंगे, यानी कि जो भी बैरियर है उसको खत्म करेंगे और अपना जो भी प्रॉब्लम है या जो भी आपकी नीड है उसको फुलफिल करेंगे। दूसरा तरीका है यहाँ पे मार्ग बदल देना या कार्य विधि में परिवर्तन करना, यानी कि हमारे सामने कोई भी बाधा आई तो हमने रास्ता ही बदल दिया, यानी कि हमने क्या किया कि बाहर मार्केट से जाके खाना खा लिया। तो जब व्यक्ति लक्ष्य प्राप्ति में मार्ग में आने वाली बाधाओं को नष्ट या दूर नहीं कर पाता है तो रास्ता बदलकर या कार्यविधि में परिवर्तन करके तनाव से मुक्ति पा लेता है। लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, जब हम किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्त नहीं होते हैं तो उससे मिलते जुलते किसी छोटे लक्ष्य को बना के तनाव को कम कर सकते हैं। जैसे IAS नहीं बन पाने पे RAS या PCS में सिलेक्शन लेके हम अपने तनाव को
समायोजित कर सकते हैं। अब प्रतिस्थापन का एक और एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे आपसे बहुत सारे लोग नेट पास करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, ऑलमोस्ट सभी लोगों का यही लक्ष्य है, लेकिन अगर किसी कारणवश आप नहीं बन पाते हैं, लेकिन अब आपके अंदर टीचर तो आपको बनना ही बनना है, तो अगर आपका प्राइमरी में हो जाता है, टीजीटी में हो जाता है, पीजीटी में हो जाता है, तो आप कहीं पे भी ज्वाइन कर लेते हैं, बिकॉज कि हमें बस अपना लक्ष्य अगर मिलता जुलता भी मिल जाएगा तो भी हम अपनी लाइफ में सेटिस्फाई रहेंगे। तो ये भी एक तरह की क्या है, रक्षा युक्ति है, इससे हम अपने लक्ष्यों का क्या करते हैं, प्रतिस्थापन करते हैं। नेक्स्ट है विश्लेषण एवं निर्णय, यानी कि जब व्यक्ति मानसिक द्वंद्व की स्थिति से गुजरता है तो वह इस रक्षात्मक युक्ति का प्रयोग करता है, एक साथ उत्पन्न हुई प्रतिकूल परिस्थितियों का विश्लेषण कर निर्णय लेता है और मानसिक द्वंद्व से मुक्ति पा लेता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि सेकंड तरीका है कि हम अप्रत्यक्ष तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से उपाय करते हैं। अब इसमें पहला है दमन। दमन का मतलब होता है किसी भी दमित कर देना, यानी कि हमारी जो इच्छा नहीं पूरी हो पा रही उसको हम दबा देते हैं, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उसे दमित कर दिया जाता है, जिससे तनाव दूर हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका पानी पूरी खाने का मन कर रहा है, ठीक है, तो आप कह देंगे अरे पानी पूरी नहीं खाने जाएंगे, इससे नुकसान ही होगा, है ना, इसे इसे खाने से ना बहुत ही मन खराब हो जाएगा, या फिर बाहर खाने जाएंगे तो इतना जाना पड़ेगा, पैदल चलना पड़ेगा, तो छोड़ो। तो आपने क्या किया कि अपनी इच्छा को दबा दिया, तो उसको हम बोलते हैं दमन कर देना या दमित कर देना। नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष दिवा स्वप्न। दिवा स्वप्न का मतलब है कि जो हम बनना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, वो हम एक्चुअल में अगर नहीं कर पाते हैं तो हम उस चीज को बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं सपने की तरह से, और कल्पना करने लगते हैं, इमेजिन करने लगते हैं, और इमेजिन में अपने आप को वैसा ही फील करते हैं जैसा हम बनना चाहते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से दिवा स्वप्न हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रत्यागमन, पलायन या पृथक्करण। तो इस प्रकार की रक्षा युक्ति में जो व्यक्ति होता है वो तनाव उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों से स्वयं को पृथक कर लेता है। उदाहरण है, सास बहू को डांटती है तो उठकर दूसरे कमरे में चली जाती है, तो बहुत कंफ्यूजन होता है कि पलायन और प्रत्यागमन में, और आप लोगों को इसमें दमन में, ठीक है, तो ये दोनों ही अलग। दमन का मतलब होता है दबा देना, और प्रत्यागमन का होता है पलायन कर देना, यानी कि उस जगह से आप चले जाएंगे। नेक्स्ट है प्रतिगमन या प्रत्यावर्तन। तो प्रतिगमन या प्रत्यावर्तन, इस रक्षा युक्ति में व्यक्ति अपने तनाव को कम करने के लिए वैसा ही व्यवहार करता है जैसा वह पूर्व में कभी किया कर सकता है। जैसे एडल्ट जो पर्सन है वो बच्चे की तरह अगर रोने लगेगा तो उसे क्या बोलेंगे, प्रतिगमन। तो ये भी एक तरह की आदिम प्रकार की रक्षा युक्ति होती है, जिसमें क्या होता है कि हम वैसे ही हो जाते हैं जैसे हम कभी पहले थे। नेक्स्ट है मार्गांतिकरण। मार्गांतिकरण है कि समाज के द्वारा जो चीजें अमान्य घोषित हैं, या समाज के द्वारा जिस चीज को मान्यता नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो मान्यता नहीं है उसको, अमान्य चीजों को मान्य में बदल के अपनी चीजों का शोधन कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं मार्गांतिकरण या शोधन कर देना। ठीक है, तो मार्गांतिकरण में और आप प्रत्यागमन में डिफरेंस मत करिएगा, वो इसमें कंफ्यूज मत करिएगा। प्रत्यागमन होती है कि हम चीजों से चले जाते हैं, पृथक कर लेते हैं, खुद को उस परिस्थिति से अलग कर लेते हैं, और यहाँ पे हम मार्गांतिकरण में मार्ग को जो बदल रहे हैं, हम पृथक नहीं कर रहे हैं, यहाँ अमान्य को मान्य में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ डांस करना अलाउड नहीं है, ठीक है, आपको नृत्य करने की परमिशन नहीं है जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, तो अब आप क्या करेंगे कि आप इस तरह के स्केच बनाने लगते हैं जिसमें डांस के अलग अलग मूव्स होते हैं, या बैठ के सिर्फ मूवी देखने लगेंगे डांस जिसमें आ रहा है, तो उससे आपने क्या कर लिया है कि आपने मान्य को अमान्य को मान्य में कन्वर्ट कर लिया है। इसके बाद है नेक्स्ट, जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन, या जिसको आरोपण बोलते हैं, अपनी कमियों या दोषों को दूसरे पर थोपकर अपना दबाव कम कर लेना। ठीक है, नाच नाए आंगन टेढ़ा, या फिर कह सकते हैं अंगूर खट्टे हैं, तो परीक्षा में कम अंक आने में प्रश्न पत्र में दोष निकालना, तो बच्चे इस तरह की जो ये है दोषारोपण भी, यानी कि दूसरों के ऊपर हम दोष आरोपित कर देते हैं। नेक्स्ट है युक्तिकरण, औचित्य की स्थापना करना। जब काफी प्रयास के बाद भी कोई वस्तु या पद प्राप्त नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, दोष निकालकर औचित्य की स्थापना करते हैं, जैसे अंगूर खट्टे हैं, तो अंगूर खट्टे यहाँ नहीं होंगे। प्रक्षेपण का मतलब होता है दूसरे पे आरोपित कर देना, ठीक है,
और अंगूठ खट्टे का मतलब क्या है कि जो भी चीज हमें नहीं मिलती है उसका हम सही औचित्य स्थापित कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं युक्तिकरण। यानी कि यहाँ पे क्या हम लगा रहे हैं, लॉजिक, युक्ति का यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे हम सीधा सीधा अपना दोष दूसरे के सर पे डाल रहे हैं। तो दोनों चीजों में डिफरेंस है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। सो गाइज प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे 7983233626 नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। एडमिशन के प्रोसेस के लिए 9015958713 नंबर पे भी आप बात कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये अच्छा युक्तियाँ कैसी लगी, समझ में आया, आप जरूर बताएं। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।